डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक की तरफ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। आर्गेनो मेटालिक कंपाउंड में आज हम आपको जो अहम टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या पढ़ाएंगे आज हम आपको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, किस लिए? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये ऐसा रिएजेंट है जो मैक्सिमम कंपाउंड को बनाने के लिए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इस्तेमाल करते हैं। यानी कि बहुत सारी कंपाउंड आसानी के साथ आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि कुछ कंपाउंड हम इसमें डिस्कस करेंगे उनके लिए क्या यूज़ करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है जी। तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन से शुरू करेंगे रिएक्शन तक। तो देखें, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन। क्या डिस्कस करेंगे? प्रिपरेशन के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे बनाते हैं, ठीक है जी। कैसे बनाए जाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, उसको हम इस तरह से देखें जी। व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विथ मैग्नीशियम मेटल in the presence of dry ether, ठीक है जी। ये हमें क्या प्रोड्यूस करता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है जी। जब हम क्या करें, अल्काइल हैलाइड को किससे रिएक्शन करते हैं? मैग्नीशियम हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है, मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो आपको एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं जिसके अंदर मैग्नीशियम मौजूद होता है, यानी कि मेटल मौजूद है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। इसी वजह से इस कंपाउंड का हमने क्या नाम दिया हुआ है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड का नाम देते हैं। अच्छा, तो ग्रिग्नार्ड जरा हम रिएक्शन देखें तो RX मीन यहाँ पर हेलोजन है, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन वगैरह यहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं, प्लस मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ईथर सॉल्यूशन लेंगे उस सूरत में आपके पास क्या बनेगा, RMgX मिलेंगे, ठीक है जी। और इस रिएजेंट को क्या नाम देते हैं, इस रिएजेंट को कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा जी, मोस्टली ब्रोमीन, ठीक है जी, यानी कि आप यूं कह सकते हैं मोस्टली अल्काइल ब्रोमाइड, इस तरह से मोस्टली अल्काइल ब्रोमाइड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है जी। ज्यादातर हम इसमें क्या यूज करते हैं, ब्रोमीन को यूज करते हैं। ब्रोमीन क्यों यूज करते हैं? ब्रोमीन को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ब्रोमीन की जो रिएक्टिविटी है ना वो नॉर्मल रिएक्टिविटी रखता है, ठीक है जी। अगर आप फ्लोरीन इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। अगर आप आयोडीन इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही उसके लिए रिएक्शन रेट बहुत ही स्लो होता है। तो इस जगह पे आप क्या इस्तेमाल, या ज्यादातर क्लोरीन इस्तेमाल करते हैं या ब्रोमीन विच हैविंग इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी। इस वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाते वक्त हम सबसे ज्यादा कौन सा अल्काइल यूज करते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं इसकी रिएक्टिविटी पर, ठीक है जी, रिएक्टिविटी। अच्छा जी, रिएक्टिविटी में अगर आप देखा जाए तो कहते हैं ना कि द अल्काइल ग्रुप ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज न्यूक्लियोफाइल। ये जो अल्काइल ग्रुप है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर, ठीक है जी, वो क्या करते हैं जी, न्यूक्लियोफाइल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं जी CH3 into MgBr, यहाँ पर ले लेते हैं। अब तो देखें क्या होगा, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। देखिए कार्बन नॉर्मली आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आते हैं, लेकिन कार्बन यहाँ पर किसके साथ अटैच है, मैग्नीशियम हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। जबकि कोई मेटल हाई, जब भी कोई जो है ना आपके पास जो कार्बन है हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल के साथ अटैच होते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आते हैं। जस्ट लाइक हाइड्रोजन हमेशा प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन जब हाइड्रोजन अगर किसी मेटल के साथ आ जाते हैं NH, तो याद रखें वहां पर वो क्या माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। तो बिल्कुल यहां पर भी यही है, कार्बन नॉर्मली पॉजिटिव
होता है, लेकिन अब ये किसके साथ अटैच है, मैग्नीशियम के साथ अटैच है, मैग्नीशियम के साथ अटैच है तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है जी। तो देखिए जी, दिस इज ड्यू टू अटैच विथ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, तो इसके ऊपर क्या चार्ज है जी, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ठीक हो गया, और इसके ऊपर पार्शियली पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक हो गया। अब देखो जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये किसके तौर पर एक्ट करता है, हमेशा न्यूक्लियोफाइल के तौर पर, ये अल्काइल हमेशा न्यूक्लियोफाइल के तौर पर रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल हम इसका कोई रिएक्शन ले लेते हैं, इसके हाइड्रोलाइसिस करते हैं इस रिएक्शन के, देखिए रिएक्शन में वाटर के साथ हम जरा कर लें CH3MgBr प्लस हाइड्रोलाइसिस करें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एसिडिक सॉल्यूशन में, तो ये आपको क्या देगा CH4 प्लस मैग्नीशियम Br, लो आपके पास क्या बनते हैं CH3 मीथेन बनते हैं, ठीक। तो ये इसकी क्या है जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हाइड्रोलिसिस है, तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हाइड्रोलिसिस करते हैं आपके पास हमेशा मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन और OH साथ अटैच होता है, ठीक है जी। अच्छा अब हम रिएक्शन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, इसकी रिएक्शन की तरफ जाते हैं, आपको क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि एग्जाम है ना कि हाउ वी कैन प्रिपेयर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है जी। एक क्वेश्चन इस तरह से आते हैं आपके पास, तो अब हम जरा इसकी रिएक्शन डिस्कस करते हैं, रिएक्शन, ठीक है जी। रिएक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद, रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, पहला रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है जी। देखिए व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ इथेरल सॉल्यूशन प्रोड्यूस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, कहते हैं कि जब एल्डिहाइड और कीटोन को जो है ना आप किसके साथ रिएक्शन करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, तो रेस्पेक्टिवली आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल बनते हैं, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम रिएक्शन कराएंगे नंबर वन, रिएक्शन विद किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, रिएक्शन क्यों करें, फॉर्मल्डिहाइड, पहले हम इसको फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है जी। लेकिन आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लें, ठीक है जी, अच्छा जी, प्लस फॉर्मल्डिहाइड या मीथेनल आप इसको कह सकते हैं, लॉजिक। अब सारी बात है आपके पास है यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आप देखा जाए तो दिस वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यहाँ पर आपके पास पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, ठीक हो जी ना। अब ये जो अल्काइल ग्रुप है वो कहाँ पे अटैक करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन के ऊपर, और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ ऑक्सीजन पे मूव करेगा, तो आपके पास क्या आएगा जी, सी यहाँ पर O नेगेटिव, हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या अटैच होगा CH3 इधर अटैच हो गए, ठीक है ना। अब आपके पास ये जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड है यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, साल्ट बनेगा, ठीक हो गया, जो कि इसको स्टेबल करके रखेगा, ठीक है जी। फिर हम क्या करते हैं, इसकी मजीद हाइड्रोलिसिस करते हैं नंबर टू में, ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, लॉजिक नेगेटिव ये कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है, यहाँ पर आपके पास फिर इसकी क्या करेंगे आप, हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है जी। हाइड्रोलिसिस करेगा तो क्या होगा, ये H को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और ये मैग्नीशियम क्या करेंगे, इस ब्रोमीन के साथ अटैच होगा, तो आपके पास क्या बनेंगे, आपके पास बनेंगे प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है जी, प्लस मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन है OH, ठीक है जी। आप यहाँ जरा देख सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल बनाया, प्राइमरी
अल्कोहल। बस आपने एक बात याद रखने हैं कि एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि हाउ प्राइमरी अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लेकिन उसमें आपको ये देखना होगा कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ किसको रिएक्शन करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड को। जब आप फॉर्मल्डिहाइड को रिएक्शन कराएंगे ना तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा नेक्स्ट आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा आगे जरा देखें फिर हम क्या करेंगे, रिएक्शन विद एसिटल्डिहाइड या इथेनल, रिएक्शन विद एसिटल्डिहाइड। आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसके साथ रिएक्शन करेंगे, एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं हम MgBr और यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये पार्शली नेगेटिव चार्ज। और अब हम इसको किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, इथेनल या एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक हो गया। तो जारी बात है ये जो नेगेटिव पार्ट है वो इस कार्बन पे जाएगा तो और ये बॉन्ड ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक हो गया जी। तो आपके पास यहाँ पर क्या बनाएंगे, वो इंटरमीडिएट स्टेट बनाएंगे यहाँ पर MgBr हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पर आपके पास क्या है CH3। ठीक है, अब आप इसकी क्या करेंगे, इसकी डायरेक्ट हम यूँ करते हैं, इसके हाइड्रोलाइसिस करें यहाँ जरा HOH। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो क्या होगा, ये इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेंगे, करने के बाद आपके पास COH सॉरी यहाँ पर CH3 है। ठीक हो गया जी। और CH3 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 NH तो आप देख सकते हैं। ठीक है जी, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बना आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है जी, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि सेकेंडरी अल्कोहल को बनाने के लिए आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसके साथ रिएक्शन करना पड़ेगा, एसिटल्डिहाइड के साथ या इथेनल के साथ आपको रिएक्शन करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये दो रिएक्शन तो कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि अगर हम इसको किसके साथ रिएक्शन कराएं, कीटोन के साथ। अगर हम इसको कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा, नंबर 3 रिएक्शन विद कीटोन। ठीक है जी, कीटोन में हम लेंगे एसीटोन के साथ। ठीक हो गया जी। लो जी, कितना रिएजेंट है जी, MgBr प्लस हम लेते हैं जी एसीटोन, या आप इसको कह सकते हैं जी प्रोपेनोन। ठीक है जी, इसका कॉमन नेम क्या है जी, एसीटोन। तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज ये कहाँ पे जाएंगे, ये कार्बन के ऊपर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पे ऊपर मूव करेगा। ठीक है, और इसको स्टेबल करने के लिए मैग्नीशियम वहाँ अटैच होगा तो ये कम्प्लेक्स इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स बनाएंगे, CO-MgBr पॉजिटिव, और एक अटैच CH3 अटैच यहाँ पर है, और एक यहाँ से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से CH3 अल्काइल ग्रुप इधर अटैच होगा। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, आप इसकी मजीद पे हाइड्रोलाइसिस करें। ठीक है जी, HOH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और इस जाके मैग्नीशियम के साथ अटैच होंगे, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपके पास प्रोडक्ट ये बनेंगे CH3 CH3। ठीक हो गया जी, और यहाँ पे क्या अटैच होंगे, OH प्लस मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन है OH। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या बना आपके पास टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल क्यों, क्योंकि OH ग्रुप इस कार्बन से जो अटैच है, ये सेंट्रल कार्बन मजीद कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3 ये तो आप को पता होगा, ये सेंट्रल कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप है वो मजीद 3 से अटैच है, तो टर्शियरी अगर 2 से अटैच है तो सेकेंडरी, अगर 1 से अटैच है तो वो क्या होगा, प्राइमरी। अब 1 से अटैच नहीं भी हो सकते, ठीक है जी, तो मिथाइल अल्कोहल बनते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ गया जी 3 रिएक्शन। ठीक है, अब आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ये आपने जरा अपने कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर करके रखना है। ठीक है जी, तो टर्शियरी अल्कोहल बनाते वक्त आपने रिएजेंट में क्या यूज़ करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ सेकेंडरी अल्कोहल बनाते वक्त आपने क्या यूज़ करना है, टर्शियरी अल्कोहल बनाते वक्त आपने क्या यूज़ करना है, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर हम आते हैं जी अगला रिएक्शन, रिएक्शन विद एस्टर के साथ ही कैसे रिएक्शन करते हैं। याद रखें
उनमें और इनमें थोड़ा सा फर्क ये है कि जब ये ईस्टर के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तो लाजिम बात है ईस्टर में एक अल्कोहल ग्रुप होता है, ठीक है जी। OH के साथ जो ग्रुप अटैच होता है वो अल्कोहल इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल में वो निकल जाते हैं। तो इसके अंदर दो स्टेप, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ इसके ऊपर अटैक करेंगे, और इसके अंदर जो इंटरमीडिएट स्टेट बनते हैं वो क्या है, कीटोन। हमेशा याद रखिए कीटोन इसके अंदर क्या बनते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है जी। अब हम रिएक्शन को शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है जी। लो जी, एस्टर के साथ हम रिएक्शन करते हैं, CH3 3 MGPR ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया हमने, पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव लिया, और यहाँ पर हम लेंगे एस्टर CH3, ठीक है। ये हमने लिया एस्टर C2H5, ठीक है। अब वन बाय वन जरा देखते जाएं, तो राजी बात है रिएक्शन जो मैकेनिज्म है वो जिस तरह दूसरों के साथ एल्डिहाइड और कीटोन के साथ हुआ है, मैकेनिज्म बिल्कुल एज इट इज आपने यहाँ पर यूज करना है, लेकिन दरमियान में इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी उसका आपने खास ख्याल रखना है। लेकिन ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ से बॉन्ड इधर मूव करेंगे, क्योंकि कार्बन जो मैक्सिमम चार बॉन्ड बना सकते हैं ना, पांच बॉन्ड तो नहीं बना सकते। तो अब आपके पास आगे क्या होगा, आपके पास ये होगा कि सी यहाँ पर ओ नेगेटिव आएंगे, उसके साथ मैग्नीशियम आके इसको इंटरमीडिएट स्टेट या कॉम्प्लेक्स स्टेट बनाएंगे, ठीक हो गया जी। और यहाँ पर आपके पास CH3 और OC2H5 और यहाँ पर आपके पास CH3 अटैच हो गए, ठीक है जी। अब देखो अगर आप इसकी डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस करेंगे ना, तो आपके पास दोबारा क्या बनेगा, वही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है कि नहीं। अब इसके अंदर एक स्टेप क्या होता है, इसके अंदर एक स्टेप ये होते हैं कि आप इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एसिडिक सोल्यूशन में आप क्या करते हैं जी, इसके अंदर जो प्रोसेस वो जरा याद रखें। देखें यहाँ पर ये ना लिविंग ग्रुप है, ठीक है जी। ये अपने आप को यहाँ से क्या करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है वो दोबारा से दोनों के दरमियान में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये निकलेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा ना, वो क्या करेगा, वो इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रॉन ये OH कहाँ जाएगा, दोबारा मैग्नीशियम के साथ जाएगा। अब आपके पास प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, ठीक है जी, सी, ठीक है जी, ये डबल बॉन्ड बन गया आपके पास CH3, ठीक हो गया जी। आपके पास यहाँ पर CH3 प्लस C2H5 OH बनेगा, ठीक है। और तीसरा प्रोडक्ट आपके पास क्या बन सकता है, तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, मैग्नीशियम, ठीक है जी, ब्रोमीन के साथ, ठीक है। अब आपके पास ये जो इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है जी, कीटोन, ऐसे ही है ना, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। लेकिन अब भी कार्बोनिल कार्बन मौजूद है तो दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो दोबारा इसके ऊपर अटैक करेंगे। अब आगे अगला स्टेप में आप देखें दूसरे सीरीज में ले जी। अब वहाँ के पास आपके पास क्या है जी, अब कीटोन आया ना, अब वो रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा ना, वो कीटोन की तरह बिल्कुल सेम रिएक्शन प्रोसीड करेंगे, CH3 MG BR पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। अब ये नेगेटिव पार्ट क्या करेगा, इधर अटैक करेंगे, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है जी। अब आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, लो जी CH3 O, ये कॉम्प्लेक्स स्टेट बनाएंगे, मैग्नीशियम इसको स्टेबल करेंगे, ठीक हो गया जी, CH3 and CH3, ऐसा ही है ना। फिर आप क्या करेगा, इसको मजीद आप इसकी क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है जी, नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, लो जी। तो आपके पास वही प्रोडक्ट बनेगा CH3 और यहाँ पर OH CH3 CH3, क्या बना, टर्शियरी अल्कोहल बना, ठीक है जी, प्लस मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं, कीटोन बनते हैं। ये आपने याद रखना है, कीटोन इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। और लास्ट प्रोडक्ट जब भी आप ईस्टर के साथ रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो आपके पास जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल बनेगा, ये याद रखना है, ठीक हो गया जी। तो चलिए जी, इसके बाद हम लास्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, लास्ट रिएक्शन जो कि हम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है जी। आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बोनिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसके साथ रिएक्शन कर सकता है, ठीक है जी। रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। तो याद रखें रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ
Grignard reagent form इसमें क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी। तो इधर सॉल्यूशन में ही होगा ये रिएक्शन, ठीक है जी। अच्छा आप जरा देखिए, आप यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले, ठीक है जी, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव प्लस, अब आप कार्बन डाइऑक्साइड का जरा स्ट्रक्चर बनाए हैं तो इस तरह से एक्जिस्ट करता है, ऐसा ही है ना। तो आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल पार्ट है, ठीक है जी, अल्काइल पार्ट है, वो कार्बन की तरफ मूव करेगा और ये जो बॉन्ड है वो इस ऑक्सीजन के पेपर मूव करेगा। करने के बाद आपके पास क्या बनाएगा, देखिए जी, कार्बन यहाँ पर आपके पास एक बॉन्ड इधर मूव किया, मूव करने के बाद अब इसको जरा, ठीक है जी, ओके पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब मैं इस ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड इधर बनाता हूँ और यहाँ पर क्या अटैच हो गए CH3, इसको स्टेबल करने के लिए इसने क्या बनाया इंटरमीडिएट स्टेट या साल्ट बना दिया, ठीक है जी। अब इसकी क्या करेंगे, हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, H क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस करें, तो हाइड्रोलिसिस करने से क्या बनेगा CH3 C और OH, ठीक है जी, प्लस आपके पास क्या बनेगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड इसके साथ अटैच हो गए। अब आप देखें आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, आपके पास फाइनल प्रोडक्ट ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखें अभी तो हमने जस्ट तीन रिएक्शन को आज हमने डिस्कस किया, ठीक है नहीं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एस्टर के साथ रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन। और देखिए हर किसी में प्रोडक्ट की जो नौयत बनते हैं ना वो डिफरेंट है, ठीक है जी। एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ आप रिएक्शन करेंगे तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल ये मिल सकते हैं, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब आप इसको रिएक्शन करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा टर्शियरी अल्कोहल, और इसके अंदर जो इंटरमीडिएट जो स्टेट बनते हैं वो क्या बनते हैं कीटोन बनते हैं, ठीक है जी। और लास्ट में जब आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्शन करता है तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है ना वो क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपको बताता चलूँ ना, ये जो रिएक्शन आपने इस अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में पढ़ा है ना, तो आगे ये और भी यूज़ होंगे, यानी कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं अल्कोहल के चैप्टर में, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में ये रिएक्शन आपको आएंगे, दोबारा आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में यानी कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल बनाने के लिए यही रिएक्शन दोबारा यूज़ करेगा। आगे आप प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें क्या करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, ठीक है। तो यही रिएक्शन आपको अगले चैप्टर में दोबारा जो है ना देखने को मिलेगा।